चाइना का टीवी है तो इंडिकेटर लाइट यहाँ पर रेड बता रही है, रेड शो करती है, इंडिकेटर लाइट रेड की रेड रहती है, इसके आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से करके बता देता हूँ आपको। तो ये स्टैंड बाई में अटका हुआ टीवी है। सो इस टीवी को हम कैसे ठीक करेंगे, ये इसका पूरा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हम स्टैंड बाई के जो फॉल्ट है उसको समझ लेते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले 3.3 वोल्ट यहाँ से स्टैंड बाई 5 वोल्ट जो है वो इस आईसी में पिन नंबर 4 पे एंटर होकर कॉम्बो रेगुलेटर है 1.8 और 3.3 वोल्ट का। ठीक है, इससे 3.3 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, हमें चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला वोल्टेज। सेकेंड वोल्टेज होगा 1.2 वोल्ट का, वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये 5 पिन का रेगुलेटर है, मैंने इसकी पिन डायग्राम बना रखी है। इसकी जो फर्स्ट पिन है इस पर 5 वोल्ट इनपुट होंगे, सेकेंड पिन ग्राउंड पिन है, थर्ड पिन आउटपुट पिन है, साथ में हमने इसको वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पर फीडबैक भी दिया हुआ है। ठीक है, फीडबैक पिन है। ओके, फीडबैक पिन पे लगभग 0.5 वोल्ट आपको चेक करना है, यहाँ पर 1.2 वोल्ट की गड़बड़ी होगी, ज़्यादा या कम हो रहा है तो ये फीडबैक की वजह से हो सकता है, नहीं आ रहा हो तो शॉर्टिंग चेक करनी है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी ये देखना है, ये वोल्टेज भी यहाँ पहुँचेंगे 1.2 वोल्ट। ठीक है, और ये 5 वोल्ट इनपुट यहाँ पर जो होगा ये एक्चुअली एनेबल का है। ओके, यहाँ पर टैग किया हुआ है डायरेक्टली, मतलब इसे स्टैंड बाई में भी चालू रखने के लिए 5 वोल्ट स्टैंड बाई दे रखा है। ठीक है, 5 वोल्ट स्टैंड बाई इसे भी दे रखा है, इस पिन को, और इनपुट भी 5 वोल्ट दे रखा है, तो ये ऑलवेज ऑन रहेगा 1.2। अगर जो प्रोसेसर आप निकाल भी दो इस समय भी 1.2 वोल्ट आने चाहिए, 3.3 वोल्ट आने चाहिए, ये स्टैंड बाई 5 वोल्ट दिया आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज आपको मेजर करने हैं, सबसे पहले ये दोनों सही होने चाहिए, उसके बाद फंक्शन आता है क्रिस्टल का। ओके, क्रिस्टल ने 24 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, 24 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अब यहां पर चलने लगेगी। अब ये 24 मेगाहर्ट्ज कहां कहां यूज होगा, एक तो यहां पर फ्लैश आईसी, तो यहाँ पर अब फ्लैश आईसी का काम है जिसमें 3.3 वोल्ट इनपुट होंगे जो कि स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट है। चिप सिलेक्ट पिन फर्स्ट प्रोसेसर एक कमांड देगा चिप सिलेक्ट पिन को ऑन करने का। ठीक है, मतलब स्टैंड बाई में सभी आदान प्रदान, मतलब ये कम्युनिकेशन लाइन है, ये डेटा लाइन, ये दोनों लाइन एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये दोनों लाइन, ओके, ये दोनों लाइन जब ऑन होगी, कौन सी, सीरियल इनपुट आउटपुट और सीरियल इनपुट आउटपुट 0 और 1, इसके हिसाब से, सीरियल क्लॉक के हिसाब से, तो यहां पर कितने आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो ये बोर्ड है जिसमें V59 आईसी यूज की है उसमें 24 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको स्टैंड बाई में नजर आनी चाहिए, स्टैंड बाई मोड पे। स्टैंड बाई मोड का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर लाइट जो है ग्लो कर रही है, वो रेड शो कर रही है। ठीक है, उसकी जो लाइट है वो रेड है, रेड का मतलब इसमें डेटा एंड क्लॉक लाइन है। देखो, प्रोसेसर अगर जो ऑन होगी तभी इसमें से 1.8 वोल्ट यहां पर आएगा, और ये पिन ग्राउंड है। ठीक है, प्रोसेसर से 1.8 वोल्ट कब आएगा, जब प्रोसेसर ऑन हो, तो प्रोसेसर चल रही है उसका निशानी है कि 1.8 वोल्ट प्रेजेंट है। ओके, तो हमें 1.8 वोल्ट अगर जो यहां मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रोसेसर इज वर्किंग फाइन। ओके, आपको वो देखना है फ्रीक्वेंसी से, तो यहां 24 मेगाहर्ट्ज हमें चेक करना है। ये सारा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, फिर बाद में हमें आईआर कमांड देने पर, आईआर से पावर ऑन देने पर, पीएस ऑन, इसे ऑन होना चाहिए, और ये लाइट या तो दूसरी कलर की लाइट हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है चालू होने का सिस्टम। ठीक है, 1 by 1, फर्स्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट, ओके, ये फर्स्ट, ओके, सेकंड क्या है आपका, क्रिस्टल जो है सेकंड, क्रिस्टल ऑन होगा सेकंड, ओके, थर्ड क्या है, आईआर से आपने कमांड दिया, मतलब ऑन करने का मैसेज दिया। फोर्थ क्या है, 1.8 वोल्ट यहां से निकलेंगे जो कि रैम के लिए जाएंगे। ठीक है, यहां पर 1.8 वोल्ट कहां जाएगा, रैम वोल्टेज है ये, रैम मींस रैंडम
एक्सेस मेमोरी, जो इसके अंदर जितने भी डेटा कंट्रोल लाइन है, मतलब जैसे इनपुट होगा ना, जो भी HDMI हमने इनपुट दिया है, ए भी इनपुट दिया है, सारा स्टोरेज रैम के अंदर होता है और रैम से एक वन बाई वन प्रोसेस करता है प्रोसेस। ओके, तो इसे 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, उसके बाद ही LVDS सिग्नल आउटपुट होगा, फिर इसके बाद पिक्चर आउटपुट होगा। कब होगा? जब 12 वोल्ट टिकॉन ऑन, टिकॉन पे वोल्टेज आएगा, ठीक है, उसके बाद LVDS सिग्नल आउटपुट होगा। तो ये पूरा फंक्शन होता है, हमें आप चेक करना है इस टीवी में कि ये सारी चीजें इस तरह से हो रही है नहीं। अभी हम बोर्ड को बाहर ले लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके आगे ये क्यों नहीं जा रहा है, पावर ऑन क्यों नहीं हो रहा है इधर, ठीक है, पावर की दबाने पर भी ये पावर क्यों नहीं हो रहा है। ओके, सबसे पहले हमें वोल्टेज जो चेक करना है वो है 5 वोल्ट, तो हम यहाँ पर ये 6 पिन रेगुलेटर के आउटपुट पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑन करने पर यहाँ हमें 5 वोल्ट देखना चाहिए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट ओके है। ओके, अब दूसरा वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, जो कि इस IC से प्रोड्यूस होंगे, वो है 3.3 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज वेरिएशन आ रहा है, ये रॉन्ग है। ओके, ये गलत है, एक तो ये फॉल्ट दिख रहा है हमको इधर। सो यहाँ पे 5 वोल्ट ओके है, लेकिन 3.5 वोल्ट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 3.3 वोल्ट की जगह पर ये वेरिएशन है। और 1.8 वोल्ट की क्या हालत है, यहाँ 1.8 वोल्ट ओके है। ओके, अभी हमें देखना है 1.2 वोल्ट, जो कि ये 5 पिन रेगुलेटर से आउटपुट होंगे 1.2 वोल्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। ओके, स्टडी है, यहाँ पर की तरह वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो वेरिएशन आ रहा है थोड़ा बहुत, सो ये नहीं होना चाहिए। सो ये भी हम देखेंगे कि इसकी वजह ये तो नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर जो फ्लैश IC है, देखो प्रॉब्लम स्टैंड बाय की है, क्योंकि स्टैंड बाय में अटका है ये टीवी, ठीक है, पावर की से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हम नॉर्मल यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से ऑन करके ये ऑन होता है कि नहीं, ठीक है, तो ये ऑन होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, ये पावर स्विच है। ओके, तो यहाँ से भी ये ऑन नहीं हो रहा है, तो स्टैंड बाय का स्टैंड बाय में पड़ा हुआ है। तो हमें फर्स्ट पिन पे वोल्टेज चेक करना है। देखो ये जब स्टैंड बाय में होता है तो यहाँ वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ देखना है वोल्टेज क्या है, यहाँ 0.1 वोल्टेज है। एक और चीज़, जब चालू करते हैं उस समय पे हमें नोटिस करना है यहाँ कुछ वोल्टेज आके बंद होते हैं, या मतलब पल्स है या नहीं पता चलेगा उससे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पर मेजरमेंट भी देख ले लेना मीटर पे, और देखना कि यहाँ पर वोल्टेज कुछ आके जाते हैं। देखो कुछ वोल्टेज आके गए तो हैं, लेकिन 3.3 जितने तो नहीं आए। ओके, फिर से देखेंगे, कुछ वोल्टेज आके फिर बंद हुए। ओके, लेकिन ये नहीं पक्का बोल सकते कि यहाँ पल्स बन रहे हैं, तो इसके लिए अभी हम DSO का यूज़ करेंगे, पल्स देखेंगे क्या हमारे पल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्स बन रहे हैं। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसकी जो वोल्टेज है उसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि पल्स तो ओके हैं। अभी अब ट्रिगर मेनू से हम देख लेते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, फोर्स बटन का यूज़ करेंगे मेजरमेंट करने के बाद। यहाँ पर अभी फ्रीक्वेंसी कुछ शो नहीं हो रही है। ओके, तो हम अभी इसमें ट्रिगर लेवल चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है 85.47 किलोहर्ट्ज़ की। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी ओके है। अभी हमें देखना है कि इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट हो रही है कि नहीं, सीरियल क्लॉक, ठीक है, ये सारे सीरियल सिग्नल्स हैं। ओके, सीरियल इनपुट आउटपुट 0, सीरियल इनपुट आउटपुट 1, ठीक है, और ये सीरियल क्लॉक। ओके, सीरियल सिग्नल्स हैं जो कि प्रोसेसर और इसके बीच में कम्युनिकेशन लाइन का काम कर रहे हैं, और ये क्लॉक सिग्नल टाइमिंग का काम कर रहे हैं। तो हम अभी हमें देखना है कि इसकी टाइमिंग सही है कि नहीं। अभी हम ये ऑफ कर देते हैं पहले, इसकी एडजस्टमेंट 50 नैनोसेकंड की करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अभी कितनी है, यहाँ पर 2 माइक्रोसेकंड है, सो हमें 50 नैनोसेकंड करना है, ये परफेक्ट है। ओके, अभी हम देख लेते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। सो फ्रीक्वेंसी है 12 मेगाहर्ट्ज़। ओके, सो इस बोर्ड के लिए जो फ्रीक्वेंसी परफेक्ट है, बिटवीन
फ्लैश आईसी और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया है। अभी सिर्फ एक दिक्कत हो सकती है, वो है ये जो वोल्टेज दे रहा है ना वो गड़बड़ हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हम इस आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे। ये अभी जो कॉम्बो रेगुलेटर है इसे अभी हम निकाल लेते हैं और इसकी जगह दूसरा रेगुलेटर यूज करेंगे। 3118 और नीचे लिखा है 1833, मतलब 18 मतलब 1.8, 33 मतलब 3.3 वोल्ट। अभी हम थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे स्टार्ट करके देखेंगे। इसकी ये दोनों लेग्स जो हैं इस पे 3.3 वोल्ट हमें मेज़र करना है, ये दोनों लेग 1.8 वोल्ट की है। 3 वोल्ट जो यहाँ पर 3.5 फ्लक्चुएट हो रहे थे तो ये कांस्टेंट है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट सही है। अभी हम देख लेते हैं क्या ये पावर ऑन हो रहा है इस समय पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो अभी हम इसमें फ्लैश आईसी के डेटा को रीड करेंगे पहले, और फिर इसमें ज़रूरत पड़ी तो राइट करेंगे। पहले रीड करके देखेंगे इसमें बफर्स एम्प्टी तो नहीं है। इसमें हमने फ्लैश आईसी की प्रोग्राम करके देख ली, फिर भी जो प्रॉब्लम है वो एसिटीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट स्विच होके आने चाहिए, वो स्टैंड बाई में अभी से ही आ रहे हैं। सो ये क्लियर है कि यहाँ पर प्रोसेसर से रॉन्ग वैल्यू आ रही है, प्रोसेसर डिफेक्टिव होने की वजह से। इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.6 वोल्ट आ रहे हैं जो प्रोसेसर से रॉन्ग वैल्यू है। स्टैंड बाई में 0.6 की जगह 0 वोल्ट होना चाहिए, प्रोसेसर ने रिलीज करना चाहिए 0 वोल्ट स्टैंड बाई में, ऑन करने के बाद 0.6 वोल्ट आने चाहिए। सो ये रॉन्ग वैल्यू है जो कि प्रोसेसर की प्रॉब्लम बता रहा है। तो इस बोर्ड में प्रोसेसर की प्रॉब्लम निकली है जिसकी वजह से बोर्ड स्टैंड बाई में अटका है।